कभी भारत की कूटनीति की बुनियाद धर्मनिरपेक्षता थी, लेकिन वो कोल्ड वॉर का दौर था। अमेरिका की पाकिस्तान से करीबी थी और रूस हर कदम पर भारत के साथ था। लेकिन 1990 के दशक में कोल्ड वॉर खत्म होते ही दुनिया का शक्ति संतुलन बदलने लगा। कई ऐसी ग्लोबल घटनाएं हुई जिनसे रिश्तों का पलड़ा भारत की तरफ झुका। इसमें एक वजह मजबूत होता भारत और आतंकवाद का मसला अहम है, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि जो अमेरिका आज बाहें फैलाकर भारत के गले मिलने को बेकरार है, उसने करगिल युद्ध के दौरान इन्फॉर्मेशन शेयर करने से इनकार कर दिया था। टेली सीरीज का ये एपिसोड रास्ता, स्टोरी ऑफ सॉलिडारिटी। साल 1999, कारगिल युद्ध, अमेरिका ने दिया पाकिस्तान का साथ। पाकिस्तान ने कारगिल जंग छेड़ी। 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ा गया यह युद्ध तकरीबन 2 महीने चला, जिसमें हिंदुस्तान के 527 वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 से अधिक सैनिक घायल हुए। पाकिस्तान के लगभग 1200 सैनिक मारे गए। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से दुश्मन को कारगिल युद्ध में परास्त किया, लेकिन उस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया। अमेरिका का ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस उसका कमर्शियल और रणनीतिक हथियार है। अमेरिका इसकी सर्विस दूसरे देशों को देकर बड़ी रकम वसूलता है और जंग में या जासूसी करने के लिए अपने फायदे के हिसाब से इसका इस्तेमाल करता है। कारगिल युद्ध में भारत को अगर सही समय पर यह अमेरिकी सर्विस मिल जाती तो गाइडेड मिसाइलों से हमला करके चोटी पर बैठे पाकिस्तानियों को आसानी से खदेड़ा जा सकता था। लेकिन अमेरिकी इनकार के बाद भारतीय सेना को नीचे की ओर से ऊपर की तरफ हमला करना पड़ा, जिसमें बड़े पैमाने पर सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वो समय था जब भारत और अमेरिका के रिश्ते सबसे नाजुक मोड़ पर थे। दोनों देशों में भरोसे की नींव कमजोर थी। उस समय दिल्ली में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। साल 2000, बिल क्लिंटन का भारत दौरा। कारगिल युद्ध के बाद यह पहली बार था जब मार्च 2000 में अमेरिका का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत दौरे पर आया था। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 5 दिन यहां और 5 घंटे की पाकिस्तान यात्रा की थी। भारत पाकिस्तान को 2 प्रतिष्ठित लोकतंत्र के रूप में पेश किया गया। पोखरण के बाद लगे कई प्रतिबंध हटा दिए गए। इसके बाद 22 सितंबर 2000 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अमेरिकी यात्रा पर गए, 106वीं कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित किया। ऐसा करने वाले किसी भी दूसरे देश के वो पहले नेता बने। इसके बाद तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी नवंबर 2001 और चौथी बार सितंबर 2002 में यूएन जनरल असेंबली में शामिल होने न्यूयॉर्क पहुंचे। साल 2004, केंद्र में यूपीए सरकार, अमेरिका से रिश्तों में सुधार। जुलाई 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अमेरिका का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश से एक ऐसे मुद्दे पर सहमति ली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये था असैन्य परमाणु समझौता। ये एक ऐसी डील थी जिसके लिए मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार को दांव पर लगा दिया, लेकिन आखिरकार इस डील पर संसद की मोहर लगी और भारत अमेरिका रिश्तों ने नई उड़ान भरी। साल 2010, मनमोहन सिंह का दूसरा कार्यकाल, बराक ओबामा का भारत दौरा। साल 2010 में बराक ओबामा मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में दिल्ली पहुंचे और भारत आने वाले अमेरिका के 6ठे अमेरिकी राष्ट्रपति बने। उन्होंने 26/11 हमले में मारे गए लोगों को मुंबई जाकर श्रद्धांजलि दी, भारत की संसद को संबोधित किया और पहली बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। साल 2015, केंद्र में मोदी सरकार, अमेरिका से रिश्ते नए मुकाम पर। साल 2014 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन अमेरिका से रिश्तों को
मोदी सरकार में भी उतनी ही अहमियत दी गई। बराक ओबामा तब भी अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, जिसे ओबामा ने स्वीकार किया। 26 जनवरी 2015 को वो दोबारा दिल्ली आए। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट बनने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। ओबामा के दूसरी बार भारत आने पर उस समय कई विशेषज्ञों ने कहा था कि भारत सही मायनों में अब अमेरिका के लिए अहम देश बन चुका है।